तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टू साइड ESP। तो गाइज, आज का वीडियो ये थोड़ा डिस्कशन वीडियो होने वाला है टीम लीड पर। हाँ गाइज, तो आप सभी का कमेंट आ रहा है, मैं जो देख रहा हूँ कि ऑफिशियल लाइनअप का क्या सीन है। हाँ गाइज, तो हमने ऑफिशियल लाइनअप पिक कर ली है, सुन रिवील कर देंगे कुछ अचीवमेंट्स के बाद, तो वो आपको तब तक के लिए वेट करना होगा। हाँ तो गाइज, आपको मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, सॉरी गाइज, मैं इतना जनों को रिप्लाई देना इम्पॉसिबल है, पर मैं आपके मैसेज सीन तो कर रहा हूँ। हाँ तो गाइज, अभी शुरू करते हैं टीम लीड पर अपना डिस्कशन। तो गाइज, हर चीज़ आप जब करते हो तो उसमें ब्रेक ज़रूरी होता है, और वैसे ही टीम इलीट ने किया है। पर वो गाइज, हमको वो ब्रेक पर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से टाइम और कौन से सिचुएशन में वो ब्रेक ले रहे हैं। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि टीम इलीट FFAC का फाइनल खेलने वाली है, तो गाइज वहाँ पर अभी तो वो ब्रेक पर है गाइज, पूरी टीम बूट कैंप से बाहर है। तो गाइज़, ये ब्रेक उन्होंने सही टाइम पर लिया है या नहीं, तो आप एक बार कमेंट में आपका ओपिनियन मेरे को ज़रूर बताना। तो गाइज, माना कि गाइज फेस्टिवल था, और इंडिया का ग्रेटेस्ट फेस्टिवल और सब में बिगेस्ट फेस्टिवल जो कि है दिवाली, तो सब अपने अपने घर गए हुए हैं। तो गाइज, पर टीम लीड यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर उन्होंने ये ब्रेक लिया है तो ये सही डिसीजन है या नहीं। तो गाइज, अभी मैं अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, आप भी अपनी अपनी ओपिनियन शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तो गाइज, मेरे हिसाब से तो गाइज कमेंट अभी उन्होंने ब्रेक लिया है वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से गाइज वो 12th या 11th डेट तक वापस बूट कैंप में आ ही जाएंगे, तो उनको मिलेगा गाइज 2 वीक्स या 3 वीक्स। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ गाइज कि ये 2 वीक्स 3 वीक्स किलर भी उनके साथ हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत ना बने और किलर को इलीट जैसा प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि इलीट बूट कैंप में आए और उनका परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है, वैसा कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ गाइज, तो मैं बात कर रहा था कि ब्रेक लेना ज़रूरी है, तो गाइज़ ये उनके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि सब प्लेयर्स जो कि है अपने फैमिली वगैरह इसको मिल के आएंगे, और मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स तो उनको कुछ रहेंगे नहीं, तो बस मिल के आएंगे और अपना मूड वगैरह सब फ्रेश करके आएंगे गाइज वापस बूट कैंप में। हाँ गाइज, तो जैसे कि आपको पता है कि अपना दिवाली बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, तो वो पूरे फेस्टिवल्स के यहाँ पर सेलिब्रेशन करके वापस आएंगे, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि उनको पूरा फ्रेश माइंडेड रहेगा गाइज। तो काफ़ी हद से देख रहा था गाइज में कि टीम इलीट के पूरे मेंबर्स FFIC पर फोकस कर रहे थे विदाउट एनी ब्रेक, तो गाइज उनको मानना पड़ेगा, बहुत ही फेस्टिवल चले गए गाइज, पर उन्होंने अपने विदाउट फैमिली के फेस्टिवल बनाया है, तो उनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए गाइज। हाँ गाइज, तो अभी दिवाली ऑब्वियसली बिग फेस्टिवल, तो उनका जाना ये था, और गाइज उन्होंने मेरे हिसाब से करेक्ट टाइम पर ये डिसीजन लिया है कि वो गए हैं अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने पहाड़ी मियां स्नाइपर लॉर्ड जो कि एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो आप उनका है पर सोशल मीडिया भी थोड़ा चेक कर लिया करो गाइज, मस्त गाइज घूम रहे हैं। कहाँ गए थे गाइज रिसेंटली, यार याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको पिक दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइज, फोटो देख के अपने को याद आ चुका है, वो गए हैं नैनीताल जो कि बहुत ही अच्छा वेन्यू है, और वो अपने फैमिली के साथ घूम फिर के आ भी चुके हैं, तो शायद गाइज 2-3 दिन में हमको पूरी टीम मिनट वापस बूट कैंप में आते हुए दिखाई देंगी। हाँ गाइज, तो एक बार कमेंट में मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। हाँ गाइज, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, फॉलो करना मत भूलना, तो और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। हाँ गाइज, तो सुबह की वीडियो आप पर किस टॉपिक पर चाहिए फटाफट से बता देना, हम तुरंत वापस लौटेंगे सुबह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।